हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू अमेजन एकेडमी। आज जो अगली ट्रिक हम लेकर आए हैं वो है नोडल मेथड ऑफ सर्किट एनालिसिस। करंट इलेक्ट्रिसिटी हम बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और बहुत सारे क्वेश्चंस हमको सर्किट एनालिसिस पर बेस्ड, जैसे फलाने रेजिस्टेंस में करंट बता दो या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता दो वगैरह वगैरह पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली। तो नोडल मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिस मेथड की मदद से हम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को भी बहुत आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप टफ सर्किट्स को भी बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और जो पूछा है क्वेश्चन है सीधे ही अपन उस पर फोकस कर सकते हैं, सो दैट कम से कम समय में हम कर पाएँ और चीज़ों को देख पाएँ, सर्किट को सॉल्व कर पाएँ, आंसर निकाल पाएँ। ठीक है जी, तो आ जाइए फटाफट से इस ट्रिक को समझें कि ये ट्रिक हमसे क्या कहता है। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट हो, कैसा भी कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट्रिकल सर्किट बना रहा हूं, तो लेट अस इमेजिन ये एक बैटरी है मान लेते हैं 3 वोल्ट की। ठीक है जी, फिर एक लेट अस इमेजिन एक रेजिस्टेंस ऐसा मैंने लगा दिया और फिर उसके बाद लेट अस इमेजिन एक बैटरी और लगा दी, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया कुछ इस प्रकार से ऐसे, एंड लेट अस इमेजिन एक और मैंने बैटरी ऐसे दिखाई और एक और रेजिस्टेंस मैंने कुछ इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया। तो ये ऐसे ही मैंने एक रिप्रेजेंटेटिव सर्किट डायग्राम बनाया, कुछ वैल्यूज ले लेते हैं, मान लेते हैं दिस इज लाइक 2 ओम, दिस इज लाइक 1 ओम, दिस इज लाइक 3 ओम, दिस इज 2 वोल्ट एंड लेट अस इमेजिन दिस इज 1 वोल्ट, राइट। और अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है किसी भी ब्रांच में आपसे करंट पूछ सकता है, कोई भी वैल्यू पूछ सकता है। मान लेते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि इस ब्रांच में आप तो मुझे करंट बता दो, इस ब्रांच में क्या करंट होगा। ठीक है, तो एक तो मेथड है कि हम किरचॉफ वगैरह का इस्तेमाल करें सॉल्व करने के लिए, पर उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है हम नोडल मेथड्स का इस्तेमाल करें। नोडल मेथड्स या जो नोडल ट्रिक है वो जो नोड्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक नोड है, ये एक नोड है, जो नोड्स होते हैं उनके वोल्टेजेस को अगर हम कुछ अज्यूम कर लें तो हम सर्किट को आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर वो अर्थड नहीं है, ध्यान से सुनना, अगर वो अर्थ नहीं है तो किसी भी एक पॉइंट को 0 वोल्टेज माना जा सकता है। तो मान लेते हैं इस पॉइंट को मैं 0 वोल्टेज मान लेता हूं, ऐसा मैं कर सकता हूं, राइट। तो मैंने इस पॉइंट को 0 वोल्टेज मान लिया, एंड लेट अस इमेजिन ये जो पॉइंट है, सपोज मैं अपने मन से इसके वोल्टेज को कुछ बोल दे रहा हूं, वी बोल दे रहा हूं अपने मन से, मुझे नहीं पता वी क्या है, राइट। हेंस ये पॉइंट 0 वोल्ट पर हो गया, वो पॉइंट वी वोल्ट पर हो गया। अगर मैं किसी तरह से वी की वैल्यू निकाल लूं और क्वेश्चन ने मुझसे पूछा था इस ब्रांच में बहने वाला करंट बताओ, तो मैं इस ब्रांच में बहने वाला करंट बहुत आसानी से निकाल सकता हूं। ठीक है जी, तो अब देखिए मैं क्या करने वाला हूं। तो इस पॉइंट को अगर मैं 0 वोल्टेज ले लूं और अब सर्किट में आगे जो पॉइंट्स बनेंगे उनके वोल्टेजेस को लिखूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉइंट, तो अब केवल एक बैटरी बीच में है, कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो इवन विदाउट नोइंग द वैल्यू ऑफ करंट इन दिस ब्रांच, कैन आई से दैट द वोल्टेज ऑफ दिस पॉइंट वुड बी 3 वोल्ट, राइट, बिकॉज ये वाला जो पॉइंट है दैट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव वाला टर्मिनल ऑफ द बैटरी, राइट। हेंस अगर हम अच्छे से जानते हैं कि लेट अस इमेजिन ये अगर कोई बैटरी है एंड इफ इट इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, और अगर बैटरी का जो EMF है वो है ई, बैटरी का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, तो VA माइनस VB का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू ई, राइट, इसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। सो VA माइनस VB शुड बी इक्वल टू ई, सो इफ दिस इज 0 दिस बिकम्स 3, लाइकवाइज इफ दिस इज 0 दिस पॉइंट बिकम्स 2 वोल्ट, सही बात है, दिस पॉइंट बिकम्स 2 वोल्ट, ये 3 वोल्ट और वो वी मान रखा है मैंने, है ना। अच्छा जी, तो अब ये 3 वोल्ट है या 3 और वो वी है और बीच में एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है। अच्छा, सिमिलरली ये 0, तो ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट का वोल्टेज क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट, सो दिस पॉइंट वुड बी हैविंग अ वोल्टेज ऑफ 1, न्यूमेरिकल वैल्यू 1, वोल्टेज तो यूनिट है 1, तो दिस इज 3, दिस इज 2 एंड दिस इज 1 इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड दैट इज वी। ठीक, अच्छा जी, अब देखो लेट अस इमेजिन अगर मैं इस ब्रांच में करंट को फ्लो करता हुआ इमेजिन करता हूँ अपने मन से, सो जो करंट है रेजिस्टेंस के थ्रू हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाता है, हेंस जो करंट फ्लो करेगा दैट वुड बी 1 माइनस V डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस वैल्यू विच इज 1। आई एम यूजिंग ओम्स लॉ, आई एम यूजिंग V इज इक्वल टू I into R, यहाँ V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, हेंस द करंट फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टेंस वुड बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस वैल्यू। सो इफ अगर मैं करंट को ऐसे फ्लो करता हुआ इमेजिन कर रहा हूँ तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, सो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 1 माइनस V डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस वैल्यू विच इज 1, हेंस 1 माइनस V डिवाइडेड बाय 1 इज द करंट विच इज फ्लोइंग अप टिल दैट नोड, उस नोड तक जो करंट जा रहा है। सिमिलरली इस ब्रांच में अगर कोई करंट फ्लो करता हुआ इमेजिन करे तो ये 3 है, ये V है, हेंस 3 माइनस V बाय 2, सो दिस वुड बी 3 माइनस V बाय 2, एज सिंपल एज दैट, एंड सिमिलरली दिस इज 2 एंड दिस इज V, लेट अस इमेजिन इफ अ करंट इज फ्लोइंग इन दिस ब्रांच, सो इट वुड बी 2 माइनस V बाय 3, 2 माइनस V बाय 3। ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो सकता है कि सारे करंट उस नोड तक जाते हों, ऑब्वियसली कुछ तो बाहर आ रहा होगा, पर मैंने इमेजिन कर लिया कि सभी करंट उस नोड तक जा रहे हैं। और अब मैं यूज करूंगा किरचॉफ की फर्स्ट इक्वेशन कि सारे अगर इनकमिंग करंट हो तो उन सारे इनकमिंग करंट का सम टोटल क्या होना चाहिए, 0, हेंस 3 माइनस V बाय 2, 3 माइनस V बाय 2 प्लस 1 माइनस V बाय 1 विच इज 1 माइनस V प्लस 2 माइनस V बाय 3, 2 माइनस V डिवाइडेड बाय 3 मस्ट बी इक्वल टू 0।
ये मेरी नोडल एनालिसिस की ट्रिक है जिसकी मदद से अब हम इसी क्वेश्चन में वी इज दी ओनली अननोन, क्या हम वी की वैल्यू निकाल सकते हैं। एलसीएम ले लेते हैं 6, है ना भाई, तो एलसीएम आ गया 6, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा ऊपर, तो 3 3 9 माइनस ऑफ 3v प्लस प्लस, यहाँ नीचे कुछ है नहीं, तो 6 से मल्टीप्लाई हुआ, 6 माइनस ऑफ 6v ये वाला टर्म आया, एंड प्लस 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 4 माइनस 2v इज इक्वल टू 0, नीचे का एलसीएम उधर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 दिया। अब जरा वी के टर्म्स निकाल लेते हैं, यहाँ से 6 और 3 9, 9 और 2 11, माइनस के उधर जाके प्लस का 11v हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू 11v, तो उधर हो गया और बाकी टर्म्स इधर क्या बचे, 6 प्लस 4 10 और 10 और 9 19, सो दिस इज लाइक 19, हेंस वी का वैल्यू कितना आ गया, 19 डिवाइडेड बाय 11, सो वी इज नथिंग बट 19 डिवाइडेड बाय 11। क्वेश्चन ने पूछा था कि इस डायगोनल ब्रांच में क्या करंट फ्लो कर रहा होगा, ये बताइए, हेंस डायगोनल ब्रांच में इस डायरेक्शन में जो करंट है दैट इज 1 माइनस वी बाय 1, सो 1 माइनस ऑफ वी विच इज 19 बाय 11 बाय 1 विच इज 11 माइनस ऑफ 19 विच इज माइनस 8 बाय 11, सो ये सॉल्व होकर आ जाएगा माइनस 8 बाय 11 एम्पियर्स। माइनस का साइन क्या बता रहा है, माइनस का साइन बता रहा है कि एक्चुअल करंट ओ से इस नोड तक नहीं, नोड से ओ पॉइंट तक या नोड से इस पॉइंट तक बह रहा होगा, फ्लो कर रहा होगा, अरे विद में, हेंस जो भी आंसर आएगा उसका विद साइन मीनिंग होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो ट्रिक है वो आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। क्या ट्रिक है, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो नोड्स हैं उनके वोल्टेजेस को अगर हम अज्यूम कर लें कुछ भी, जैसे अभी मैंने इसको वी माना, आप एक्स और वाई भी मान सकते हैं, कुछ भी अगर अज्यूम कर लें, तो फिर उनकी मदद से करंट इक्वेशंस बना सकते हैं, एंड यूजिंग किरचॉफ इक्वेशंस एट एनी जंक्शन आप उन वोल्टेजेस को जो आपने अज्यूम किया उनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। दिस इज द ट्रिक फॉर या ट्रिक ऑफ नोडल एनालिसिस। आइए कुछ क्वेश्चंस इस पर देखें कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जिनको हम बहुत आसानी से इस ट्रिक से कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, पूछ रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू, है ना, केवल हमसे पूछा व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू, ठीक है, तो इसको इस ट्रिक से करते हैं। तो लेट अस इमेजिन पी पॉइंट की पोटेंशियल को मैं मान लेता हूँ 0, लेट अस से, और क्यू जो पॉइंट है उस पॉइंट के पोटेंशियल को मैं मान लेता हूँ वी, लेट से, तो इस वाले ब्रांच में ना तो कोई बैटरी है ना कोई रेजिस्टेंस है, हेंस क्या ये वाला पॉइंट भी वी वोल्टेज पर ही आ गया, देखो ध्यान से, सही है, तो ये वाला पॉइंट भी वी वोल्टेज पर आ गया, दिस इज 0, ये बैटरी 2 वोल्ट की है, तो ये पॉइंट कितना हो गया प्लस का 2, दिस इज 0, सो दिस बिकम्स प्लस का 2, राइट, गेटिंग, सो दिस इज प्लस का 2, दिस इज वी, राइट, एंड नाउ इफ दिस इज वी, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या बनेगा बताओ, ये वी है, ये 4 वोल्ट की बैटरी है, तो इस पॉइंट का क्या पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा वी प्लस 4, राइट, वी प्लस 4। नाउ लेट अस इमेजिन इफ अ करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, सो वी प्लस 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 वुड बी द करंट वैल्यू, तो करंट वैल्यू क्या हो जाएगी, वी प्लस 4 माइनस 0 विच इज वी प्लस 4 डिवाइडेड बाय 1, एंड सिमिलरली ये जो करंट है ये करंट ऐसे फ्लो करता हुआ क्या इधर जाएगा, इस ब्रांच में जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो कितना होगा 2 माइनस वी डिवाइडेड बाय 2, और क्या ये तो एक ही करंट है, क्या ये आपस में बराबर होंगे, हेंस क्या इक्वेशन बन रही है, यहाँ जो करंट बन रहा है 2 माइनस वी डिवाइडेड बाई 2 और ये जो करंट बन रहा है v प्लस 4 बाय 1, क्या वो सेम होने चाहिए, सो 2 माइनस वी डिवाइडेड बाई 2 शुड बी इक्वल टू वी प्लस 4 डिवाइडेड बाय 1, एज सिंपल एज दैट, ओरल इक्वेशन है एकदम से, हेंस 2 माइनस ऑफ v इज इक्वल टू 2v प्लस ऑफ 8, राइट, सो दिस गिव्स यू माइनस का 6, 8 को इधर लिया माइनस का 6 और वो उधर चला गया, इज इक्वल टू प्लस का 3v और v का जो वैल्यू आ गया दैट इज माइनस 2, सो v का वैल्यू आ गया माइनस 2। क्वेश्चन ने पूछा था VPQ का क्या मतलब है, VPQ का मतलब है VP माइनस VQ, VP को क्या इमेजिन किया था 0 और VQ का कितना आंसर आया माइनस 2, हेंस कितना हो गया 0 माइनस ऑफ माइनस 2 इज 2, तो आंसर हो गया कितना प्लस का 2 वोल्ट विच इज योर ऑप्शन नंबर बी, राइट, तो कितना आसानी से कितना इजीली यूजिंग नोडल हम ट्रिक फटाफट इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इन दी सर्किट द करंट इन ईच रेजिस्टेंसेस, इन दिस सर्किट फाइंड द करंट इन ईच रेजिस्टेंस, अगेन मैं अपनी जो ट्रिक है उसको लगाता हूँ, तो लेट अस इमेजिन ये जो पॉइंट है इसको 0 मान लेते हैं, सो ये जो पॉइंट हुआ इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा 2, इसको 0 मान लेते हो जाएगा 2, ये पॉइंट का वोल्टेज कितना हो जाएगा 4, राइट, बीच में 2 वोल्ट की बैटरी है, ये 4 हो गया, ये वाला जो पॉइंट है इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा 6, राइट, नाउ इफ दिस इज 6, इफ दिस इज 6 ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, इफ दिस इज 6 वोल्ट, दिस इज 6, आर यू विद मी, सो ये कितना हो जाएगा 4, सो दैट 6 माइनस 4 गिव्स यू 2, नाउ इफ दिस इज 4 दिस बिकम्स हाउ मच 2, आर यू विद मी, एंड इफ दिस इज 2 दिस पॉइंट बिकम्स 0,
ध्यान से देखो और समझो, यहां से शुरू किया था इसको जीरो माना, ये 2 वोल्ट की बैटरी, पोलैरिटी ध्यान से देखो, सो VA माइनस VB इज इक्वल टू E की इक्वेशन बन रही है, सो इफ दिस इज जीरो दिस बिकम्स टू, सिमिलरली 4 माइनस 2 इज 2, 2 माइनस 0 इज 2, 4 माइनस 2 इज 2, 6 माइनस 4 इज 2, दिस इज 6, दिस ऑल्सो बिकम 6, बीच में ना कोई बैटरी ना कोई रेजिस्टेंस, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2. उसने पूछा है व्हाट इज द करंट इन ईच रेजिस्टेंस, तो ये 1 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, जीरो, हेंस इस ब्रांच में क्या करंट, जीरो, 2 वोल्ट क्या पोटेंशियल डिफरेंस, जीरो, तो इस ब्रांच में भी क्या करंट, जीरो, और इस ब्रांच में भी क्या करंट, जीरो, हेंस क्या सभी ब्रांचेस में सभी रेजिस्टेंसेज में जो करंट है क्या वो हो गया जीरो, सो द आंसर इज जीरो ईच. क्वेश्चन ने पूछा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन ईच रेजिस्टेंस, द आंसर इज जीरो ईच, एंड हाउ सिंपल इट इज. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, कह रहा है कि सर्किट इज अरेंज एज शोन इन दिस फिगर, देन फाइंड द करंट फ्रॉम ए टू बी, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द करंट फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी. अगेन अपन नोडल ट्रिक से करेंगे, मान लेते हैं बी जो पॉइंट है उसका वोल्टेज है जीरो, है ना, तो इफ दिस बी इज जीरो, सो दिस पॉइंट बिकम्स, बोलो कितना इसका वोल्टेज कितना आ गया, इसका वोल्टेज आ गया 10, सो दैट 10 माइनस 0 बिकम्स 10. नाउ इफ दिस इज जीरो, बैटरी की पोलैरिटी देखो ध्यान से, तो इस पॉइंट का वोल्टेज कितना आ गया, इसका वोल्टेज आ गया माइनस 5, सो दैट 0 माइनस ऑफ माइनस 5 गिव्स यू 5. Are you with me? 0 minus of minus 5 gives you 5. And let us imagine जो A point है, उस A point का जो voltage है, let us imagine that is V. ठीक है? अच्छा. So, अब इस branch में जो current flow करेगा, अगर मैं उसको लिखूं, तो क्या हो जाएगा? 10 minus V by 10. सही है? 10 minus V by 10. अच्छा जी, इस branch में जो current flow करेगा, ये downward direction में, क्या वो हो जाएगा? V minus 0 by 10. तो V minus 0 divided by 10. Are you with me? And let us imagine इस ब्रांच में मैंने अपने मन से डायरेक्शन दिखा रहा हूं करंट का, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान रखना है करंट रेजिस्टेंस में हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है, तो अकॉर्डिंगली हम ट्रीट कर रहे हैं, तो V माइनस ऑफ माइनस 5 विच इज V प्लस 5 डिवाइडेड बाय 15, तो ये जो करंट है दैट इज V माइनस ऑफ माइनस 5 डिवाइडेड बाय हाउ मच, डिवाइडेड बाय 15. क्या मैं A जंक्शन पर किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लगाऊं कि इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो इनकमिंग करंट कितना है 10 माइनस V बाय 10, तो 10 माइनस V बाय 10 इज द इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द आउटगोइंग करंट, एंड द आउटगोइंग करंट इज V बाय 10, V बाय 10 और उधर में V प्लस 5 बाय 15. आर यू विद मी? सही है? तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ की इक्वेशन लगाएं, तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ की इक्वेशन जो बनेगी दैट वुड बी दिस, राइट? ऐसा करते हैं, इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सब तरफ, तो अगर आप इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 कटेगा 3 आएगा, 3 इंटू 10 इज 30, माइनस ऑफ 3V इज इक्वल टू 30 से मल्टीप्लाई किया तो 3V और 30 से मल्टीप्लाई किया 15 टू 30 तो 2 का टर्म आएगा प्लस 2V प्लस 10, हो गया ना आसान. ठीक है जी, तो 3V प्लस 2V इज लाइक 5V और ये माइनस 3V और इधर गया, कितना हो गया 8V, उस तरफ हो गया 8V, ये 10 इधर आया, हेंस 30 माइनस ऑफ 10, इस 10 को इधर ले गया, 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 3, 4, 5 और 3, 8 इज इक्वल टू 8V, हेंस V इज लाइक 30 माइनस 10 20 डिवाइडेड बाय 8, है ना, 20 डिवाइडेड बाय 8 विच इज 2.5 वोल्ट्स, हेंस V का जो वैल्यू है दैट इज 2.5 वोल्ट. क्वेश्चन ने क्या पूछा था, करंट इन द ब्रांच ए बी, करंट फ्रॉम ए टू बी, सो द करंट फ्रॉम ए टू बी इज वी माइनस 0 बाय 10, हेंस करंट फ्रॉम ए टू बी इज, दिस इज 2.5, सो 2.5 डिवाइडेड बाय 10, सो इफ दिस करंट इज आई ए बी, तो आई ए बी करंट फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाय 10 विच इज 0.25 एम्पियर. आंसर है मिली एम्पियर में, तो क्या 0.25 एम्पियर इज एज गुड एज 250 मिली एम्पियर, दैट मीन्स 250 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, इज इट नॉट, हेंस 250 मिली एम्पियर वुड बी द राइट आंसर. ठीक, एकदम आसान. अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखने में मुश्किल लग रहा है पर हम इसको अगेन नोडल से करेंगे. क्या चाहिए, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, ए यहाँ है और बी यहाँ है, राइट, VA माइनस VB चाहिए, तो लेट अस इमेजिन द पोटेंशियल ऑफ A इज 0 एंड लेट अस इमेजिन द पोटेंशियल ऑफ B इज V. ठीक है, नाउ लेट अस राइट द पोटेंशियल ऑफ ऑल अदर टर्म्स, तो इस पॉइंट को देखोगे तो इसका जो वोल्टेज है हो जाएगा 1, 1 माइनस 0 गिव्स यू 1, इस पॉइंट को देखोगे तो इसका वोल्टेज हो जाएगा 2, 2 माइनस 1 गिव्स यू 1, इस पॉइंट को देखोगे तो इसका वोल्टेज हो जाएगा 3, 3 माइनस 2 गिव्स यू 1 और इस पॉइंट को देखोगे तो उसका वोल्टेज हो जाएगा 4, 4 माइनस 3 गिव्स यू 1. यहां तक समझ में आना चाहिए. नाउ इफ दिस इज V, सो दिस पॉइंट विल बिकम V प्लस 1, सो दैट V प्लस 1 माइनस V गिव्स यू 1, दिस पॉइंट बिकम्स V प्लस 2, सो दैट V प्लस 2 माइनस V प्लस 1 गिव्स यू 1,
Now this point becomes, if this is V, this becomes V minus 1, so that V minus of V minus 1 gives you 1, and this junction becomes V minus 2, same logic. तो हमने सभी जो नोड्स हैं, सभी जो नोड्स हैं उनके पोटेंशियल, सभी जो जंक्शंस थे उनके पोटेंशियल हमने लिख लिए. ठीक, अब हमें अगला काम क्या करना है, एक ही अननोन है भी, हैं समय किरचॉफ इक्वेशन लिखना है. तो किरचॉफ इक्वेशन अगर मैं इसमें लिख सकूं तो कुछ बात बन सकती है. तो जरा देखें किरचॉफ इक्वेशन को, लेट अस ट्राई टू राइट द किरचॉफ इक्वेशंस, कहां कहां क्या क्या करा जा सकता है. तो देखो, तो इफ यू लुक एट दिस जंक्शन, तो इस ब्रांच में जो करंट फ्लो कर रहा होगा, लेट अस इमेजिन करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, जस्ट लेट अस इमेजिन. तो ये जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो कितना हो जाएगा, दिस इज 4, दिस इज v प्लस 2, तो 4 माइनस ऑफ v प्लस 2, 4 माइनस ऑफ v प्लस 2, 4 माइनस ऑफ v प्लस 2, विच इज द पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय 1. आर यू विद मी? विच इज हाउ मच, 4 माइनस v माइनस 2, विच इज 2 माइनस v, राइट, 2 माइनस v. हेंस इस ब्रांच में जो करंट जा रहा है दैट इज 2 माइनस v, और वही करंट फ्लो करके इस जंक्शन तक पहुंच रहा है. सही है, करेक्ट है, वही करंट फ्लो करके इस जंक्शन तक पहुंच रहा है. अच्छा जी, इस वायर में जो करंट जा रहा है, लेट अस इमेजिन ऐसा जो करंट जा रहा है उसको देखें, दिस इज 4 एंड दैट इज v प्लस 1, 4 माइनस v प्लस 1, 4 माइनस v प्लस 1, इट इज 3 माइनस v, सो दिस इज 3 माइनस v, एग्रीड. एंड सिमिलरली इस ब्रांच में जो करंट जा रहा होगा दैट इज 3 माइनस ऑफ v प्लस 1, 3 माइनस ऑफ v प्लस 1, which is 2 minus v, hence ये भी जो current होगा that would be 2 minus v, resistance value तो 1 है ही, तो 2 minus v, 3 minus v और 5 minus v मिलकर इस junction पर by Kirchhoff law current बना, जो current इस branch में ऐसे move करेगा. तो ये कितना हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 7 minus 3 v, so this current is 7 minus 3 v, agreed? ये 7 minus 3 v का current B junction पर आया. अब यहाँ से जो current जा रहा है 3 minus of junction B का voltage कितना है, v, hence 3 minus v, so this current is 3 minus v, this is 2, this is v, so this current is 2 minus v, hence 3 minus v or 2 minus v or इसमें add हुए, so 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 minus of 3, 4, 5, 12 minus of 5v current बना जो इस branch में गया, कितना 12 minus of 5v, agreed, जो कि इस node पर पहुंचा. फिर इस branch में जो current गया that is 2 minus of 2 minus of v minus 1, 2 minus of v minus 1 which is 3 minus v, again ye jo current gaya that is 3 minus v, and this is 1 minus of v minus 1 which is again 2 minus v, so 12 minus 5v, 3 minus v or 2 minus v, fir joda sabko, to 12 aur 3 15, 15 aur 2 17, 17 minus of 5 6 7, 17 minus of 7v, so this is 17 minus of 7v करंट बना, जो कहां आया, जो इस जंक्शन पर आया. ठीक है जी, 17 माइनस ऑफ 7v का करंट इस जंक्शन पर आया. अच्छा जी, इस वायर से जो करंट जा रहा होगा वो कितना होगा, दिस इज 1 दैट इज v माइनस 2, तो 1 माइनस ऑफ v माइनस 2 विल गिव यू 3 माइनस ऑफ v, सो दिस इज लाइक 3 माइनस v, आर यू विद मी? और ये जो करंट आ रहा होगा इस ब्रांच में, जो करंट आ रहा होगा वो कितना होगा, v माइनस 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1, दैट वुड बी v माइनस 2. क्या इस जंक्शन पर, जो लास्ट जंक्शन बचा है, क्या उस जंक्शन पर हम किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगाएं? तो इनकमिंग करंट क्या क्या है, उधर से आ रहा है 17 माइनस 7v, ये करंट आ रहा है इधर से करंट आ रहा है 3 माइनस v प्लस का 3 माइनस v, दीज आर द इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, क्या है v माइनस 2, तो आउटगोइंग करंट है v माइनस 2. क्या v की वैल्यू यहां से निकल आएगी, है ना बे? तो v की वैल्यू को जरा निकालते हैं, तो 17 और 3 ये हो गया 20, और ये माइनस 2 आ गया इधर, तो ये हो गया 22, ये माइनस 7 और माइनस v उधर गया, तो 7 और 8 और उधर है 9, so that is equal to 9v, so v is like 22 divided by 9, ये आंसर हो गया, v is like 22 divided by 9, कौन सा ऑप्शन है, हमें चाहिए था va minus vb, तो vb का वैल्यू आ रहा है 22 by 9, और va का वैल्यू है 0, हमसे क्वेश्चन ने पूछा था va minus vb, so va minus vb would be equal to, va was 0, and vb is 22 by 9, so answer कितना, minus 22 by 9, volts, which is your option number A. बदमाश ने दोनों plus minus answer दे रखे हैं, so that point में भी गड़बड़ कर लो, तो answer हो गया minus 22 by 9. Last question जो थोड़ा सा tough भी है, और इसके through मैं आपको resistanceless wire के फंडे भी देखना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ. तो question हमसे क्या कह रहा है, देखो question हमसे कह रहा है कि the current through 1 ohm resistor is I, तो 1 ohm resistor में जो current बह रहा है that is I, तो find the value of 2I, तो basically हमें इस 1 ohm resistor में current चाहिए. अगेन इसको जरा नोडल से देखें, तो मान लेते हैं ये जो पॉइंट है इसको मैंने जीरो मान लिया, ये एक रेजिस्टेंसलेस वायर है, तो क्या ये पॉइंट भी जीरो वोल्ट पर आ गया, एग्रीड?
Now, if this is 0, this becomes 5. Right? Now, if this becomes 5, this point ka voltage becomes 0. Are you with me? So that 5 minus 0 gives you 5. Battery 5 volt ki hai. Hence, ye wali jo 2 ohm wala jo resistance hai, isma koi current nahi flow kar raha hoga. Iske end ke across potential difference ho gaya 0. Aur chalte aage, if this is 0, this becomes how much? 10 volts. बैटरी 10 वोल्ट की है तो ये ऊपर पॉइंट बन गया कितना 10 वोल्ट का. ठीक है जी. अच्छा, इस जंक्शन का वोल्टेज मान लेते हैं हम अगर V, इस जंक्शन का वोल्टेज अगर मैं V ले लूं तो फिर ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट का जो वोल्टेज होगा है ना, ये वोल्टेज कितना होगा, इस पॉइंट का जो वोल्टेज होगा, दिस वुड बी इक्वल टू दिस इज V, तो ये बैटरी है, दिस पॉइंट इज V और इस पॉइंट का मुझे वोल्टेज चाहिए एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज लाइक 10 वोल्ट. तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 10, इसको x मान लेते हैं. तो v माइनस ऑफ x इज इक्वल टू 10. तो x का वैल्यू कितना आ गया, v माइनस ऑफ 10. सो दिस इज लाइक v माइनस ऑफ 10. क्रॉस चेक कर लो, v माइनस 10 गिव्स यू 10. राइट. अच्छा जी, तो अब हम इस ब्रांच में करंट लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं और इसमें लिख सकते हैं. वी जंक्शन पर किरचॉफ्स लॉ लगाने वाले हैं. अब आ जाते हैं करंट पर. तो आ जाओ जरा इस ब्रांच में, मान लेते हैं ऐसे अगर करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये 10 वोल्ट है, वो V माइनस 10 है. हैज जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा अगर ऐसे करंट लेता हूं मैं, तो दैट वुड बी 10 माइनस ऑफ V माइनस 10, 10 माइनस ऑफ V माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2. आर यू विद मी? तो 10 माइनस ऑफ V प्लस 10, दैट मींस 20 माइनस V बाय 2. तो इस ब्रांच में जो करंट है दैट इज 20 माइनस V बाय 2. आर यू विद मी? अच्छा जी, दिस इज V, दिस इज 5. हैंड्स लेट अस इमेजिन, अगर करंट ऐसे नीचे आ रहा है तो करंट का वैल्यू कितना, V माइनस 5 बाय 1. और ये V है, ये 0 है. अगर करंट इस ब्रांच में जा रहा है ऐसे तो करंट का वैल्यू कितना, V माइनस 0 बाय 2 विच इज V बाय 2. क्या इस जंक्शन पर किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगाएं? इनकमिंग करंट क्या है, 20 माइनस V बाय 2. 20 माइनस ऑफ V बाय 2 इज द इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउट गोइंग करंट विच इज V माइनस 5. V minus of 5 and V by 2. Are you with me? सही है? इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं सबको. Hence 20 minus of V is equal to 2V minus 10 plus V. ठीक है जी, ये minus 10 इधर ले आते हैं तो ये हो गया 30 is equal to minus V, उधर ले जाते हैं तो 2 और 1 3 और 1 4 is equal to 4V. राइट. हैंस V इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 4 विच इज 2 2 4, 2 15 30, विच इज 15 बाय 2 इज V. हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था करंट. हैंस द करंट जो पूछा है क्वेश्चन ने, करंट जो पूछा है दैट इज V माइनस 5 बाय 1, दैट इज V माइनस ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 1. V इज 15 बाय 2, सो दैट इज 15 बाय 2 माइनस ऑफ 5. 15 बाय 2 माइनस 5 इज हाउ मच, 5 by 2, 15 minus 10 by 2, which is 5 by 2 amperes. तो करंट की वैल्यू आ गई 5 by 2 amperes. क्वेश्चन कह रहा है 2i बताओ, तो 2i का वैल्यू कितना हो गया, 5. Hence जो राइट आंसर हो गया, वो राइट आंसर हो गया A, 5. Are you able to follow? समझ रहे हो कि नोडल एनालिसिस या ये जो ट्रिक है ये कितना ज्यादा यूजफुल है? डिफिकल्ट से डिफिकल्ट questions में आप इस ट्रिक की मदद से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. सीरीज, पैरेलल और इक्विवेलेंट वगैरह निकालने की हमें कोई जरूरत नहीं खास ज्यादा. अगर सर्किट एनालिसिस करना है, अगर उसने नहीं पूछा है आपसे इक्विवेलेंट, तो कोई जरूरत नहीं है. आप नोडल की मेथड, नोडल ट्रिक की मदद से बहुत इजीली क्वेश्चंस को देख सकते हैं और समझ सकते हैं. तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको एग्जाम में इससे एक या दो क्वेश्चन का जरूर से फायदा होगा. थैंक यू वेरी मच. हैप्पी लर्निंग.